श्री गणेशाय नमः। अथ एकादशी व्रत महात्म्य। श्री गणेशाय नमः। सूत जी बोले, 12 महीनों की में कुल 24 और अधिक मास में 2 एकादशी होती है। इस तरह से 26 एकादशियां होती है। उनके नाम मैं कहता हूँ, आप सावधानी से सुनिए। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, अमल की एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुणी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पाशाकुशा एकादशी, रमा एकादशी, देवध्वनि एकादशी। ये 12 महीनों की 24 एकादशियां के नाम है। अधिक मास में पद्मिनी और परमा, ये 2 एकादशियां होती है। ये सब नाम के अनुसार फल देने वाली है। इनकी कथा सुनने से इनके फलों की अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा। यदि एकादशी का व्रत तथा उद्यापन की शक्ति न हो तो इनके नाम के का कीर्तन करने से ही शीघ्र फल प्राप्त हो जाएगी। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी यानी कि 13 अक्टूबर को आने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। परमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जगतपते, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की क्या कथा है? उसका नाम और विधि क्या है? सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, मनुष्य को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पाप नाशिनी एकादशी का नाम परमा है। पहले जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि मैंने कही है, उसी की तरह इसको भी करना चाहिए। अब मैं तुमसे सुंदर कथा कहूँगा। सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम पवित्र था। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया। उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। आतिथियों को भोजन करा के आप भी भूखी रह जाती थी। घर में अन्न नहीं है, यह बात अपने पति से कभी नहीं कहती थी। वह स्त्री अपने शरीर को सुखाने लगी। यह देखकर ब्राह्मण स्त्री से बोला, एकांते, मुझे धन नहीं मिलता, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, सो मुझे बताओ। मुझे धन की प्राप्ति के लिए परदेश जाने की आज्ञा दो। वहां जाकर मेरे भाग्य में जो होगा सो मिलेगा। पति का वचन सुनकर वह चतुर स्त्री आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ सिर झुकाकर पति से बोली कि ये चाहने वाले मनुष्य आपत्ति पड़ने पर भी यही कहते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया ही मिलता है। पूर्व जन्म में जो विद्या धन और पृथ्वी दान की है वह इस जन्म में मिलती है। बिना दिए कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तब वो ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक बार उसके यहाँ मुनि आए। विधि पूर्वक भोजन कराकर वो उत्तम स्त्री उनसे पूछने लगी है, हे विद्वान, मुझको छोड़कर मेरा पति बाहर जाना चाहता है। हे मुनिंद्र, मेरे भाग्य से आप ये आ गए। आपकी कृपा से निश्चय मेरा दरिद्र शीघ्र ही जाएगा। हे कृपा सिंधु, मेरा दरिद्र दूर होने के लिए तीर्थ तप आदि कही। सुशीला के वचन सुनकर तो सब पाप दुख और दरिद्रता के दूर करने वाली उत्तम व्रत का मन में सोचकर उसे बोले कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भक्ति मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की भगवान की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। इसमें
विधि पूर्वक नृत्य गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको कोषाध्यक्ष बना दिया। राजा हरिचंद्र सिंह ने इस व्रत को किया, इसे स्त्री और निष्कपट राज्य मिल गया। हे शिवे, अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इसके करने से धन धान्य से युक्त होकर स्वर्गलोक को चली गई। ऋषि के इस तरह कहने पर अधिक मास के पति के साथ स्नान करके ऋषि की कई विधि के अनुसार इस व्रत को किया। परमा एकादशी और पंचरात्रि को व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन से आते हुए राजकुमार को देखा। ब्राह्मण जी की आज्ञा से सुंदर वस्तुओं से पूर्ण नवीन भवन देखकर उस राजकुमार ने स्वयं उस स्त्री तथा पुरुष को वहां निवास कराया। सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए गांव देकर उसके तप से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करके राजा अपने घर चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने और आदर पूर्वक पंचरात्रि का व्रत करने से सब पापों से छुटकर सुख और आनंद भोग कर अंत में स्त्री को संग लेकर वह ब्राह्मण विष्णु लोक में चला गया। जैसे मनुष्य में ब्राह्मण चौपयो में गो और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, इसी तरह सब महीनों में मलमास उत्तम है, यानी अधिक मास उत्तम है। बुद्धिमान मनुष्य को यथाशक्ति एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोले, हे अनग, तुमने मल मास की परमा एकादशी का फल जो मुझसे पूछा सो मैंने सब कहा कह दिया है। उस उत्तम व्रत को तुम सावधानी से करो। इस व्रत को सुनकर स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने किया। स्वर्ग और पृथ्वी को जो दुर्लभ सुख है उनको भोग कर प्रसन्नता से वैकुंठ में प्राप्त हो गया। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्रि को व्रत करते हैं, ये स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोग कर तीनों लोकों से वंदित विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। ऐसी है एकादशी व्रत की महिमा।